इस खबर के प्रायोजक हैं शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल अमनौर सारण। क्षेत्र का एक ऐसा हॉस्पिटल जो देता है 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, जैसे कि पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, एम्बुलेंस, आईसीयू व एनआईसीयू की सुविधा। हमारा संपर्क स्थान है शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल मढ़ौरा रोड अमनौर, अमनौर पुल से 100 गज पश्चिम। अमनौर में शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल खुला है, जहाँ पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अनेकों तरह का इलाज, ऑपरेशन वगैरह सब होता है और गरीब जनता का भी सेवा हम करते हैं। छपरा जिला के मांझी थाना क्षेत्र के फुलबरिया ताजपुर स्थित SBI की CSP केसे बंदूक का भय दिखाकर दिन दहाड़े अपराध कर्मियों ने 99,000 रुपए लूट लिए। दो बाइक पर सवार चार अपराध कर्मियों द्वारा रुपए लूटकर भागने के दौरान एक ग्राहक द्वारा विरोध किए जाने पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दहशत फैलाने के बाद बाइक सवार अपराधी कर्मी आसानी से भाग निकले। जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष नीरज कुमार मिश्रा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। कुछ देर बाद SDPO अजय कुमार भी पहुंच गए तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार ताजपुर निवासी सुशील कुमार सिंह बगल में ही फुलबरिया डुमाईगढ़ रोड में SBI का एक CSP चलाते हैं। गुरुवार के दिन वे अपने एक कर्मी के साथ CSP में कार्यरत थे, तभी करीब 12 बजे एक अपाची व तथा एक ग्लैमर बाइक से चार अपराधी पहुंचे। कुछ दूरी पर ही अपनी बाइक लगाकर पहले सीवी का मुआयना किया, उसके बाद CSP के अंदर प्रवेश करते ही काउंटर पर पहुंच गए तथा संचालक को आराम से बोले कि चुपचाप जो भी रुपए दे दीजिए। सुशील को पहले मजाक लगा, बोला कि क्या मजाक करते हैं। फिर उसने अनहोनी का आभास होते ही तभी अपराधियों ने अपनी पिस्तौल दिखाकर पहले उनका मोबाइल फोन ले लिया, उसके बाद होशियारी न करने की धमकी देकर जबरन कैश बॉक्स में मौजूद 99,000 रुपए निकाल लिए और बाइक पर सवार होकर फरार होने लगे। इसी बीच से शोर मचाने पर जुटे हुए कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। भागने के दौरान ही दिलेरी दिखाते हुए सर खेलपार गांव के एक युवक मनोज यादव ने एक बाइक चालक अपराधी की कॉलर पकड़ लिया, जिसे पीछा छुड़ाने के लिए पीछे बैठे दूसरे अपराधी ने पिस्टल निकालकर उसे गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद दोनों बाइक पर सवार चारों अपराधी पिस्टल लहराते हुए भाग निकले। घायल मनोज यादव को ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में एक कुम्मा PSC में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। रोजगार के उद्देश्य से CSP चलाते हैं, लेकिन हम लोग एक दिन भी सुरक्षित नहीं है, एक दिन भी सुरक्षित नहीं। हम लोग एकदम मौत से हम लोग खेल रहे हैं रोज लगातार। कई CSP साथी का जान चला गया, हम लोग कई बार मांग किए, प्रशासन से भी मांग किए कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। हम लोग आर्म्स के लिए भी लाइसेंस का भी अप्लाई किए हैं, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होता है। पर दिन किसी दिन CSP में लूट होता है, किसी दिन हत्या होती है, किसी दिन जान जाता है, कोई अभी तक हम लोगों को पूछने नहीं आता है। अभी पुलिस आई अपना, हम लोगों से पूछताछ किया, चली गई, बस हो गया काम। अब उसके अगले दिन से फिर हम लोग CSP चलाएंगे, फिर खतरा से खेलेंगे। कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे समझ में नहीं आता है। हम लोग प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उचित सुरक्षा हम लोगों को देकर CSP चलवाया जाए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं तो CSP चलाना मजबूरी है, चलाना भी है। और सरकार का रजिस्ट्रेशन है कि चलाइए आप दूर दराज लोकेशन में जाके, तो वहाँ हम लोग चलाते हैं जाके। वहाँ हम लोग किसी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को सुरक्षा के दृष्टि से ध्यान में देते हुए मैंने प्रशासन को हम लोगों को आर्म्स का लाइसेंस दे दे या फिर हम लोगों को कोई गार्ड उपलब्ध करा दे, जिससे हम लोग को सुरक्षा मिले, हम लोग भयमुक्त होकर CSP चलाएं। हम लोग यही प्रशासन से भी मांग करेंगे, सरकार से मांग। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार सिंह, CSP संचालक। सभी CSP भाई लोग इतने भय से हम लोग CSP चला रहे हैं, सरकार से सारे लोग बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं और सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर बैंक खोलने का होड़ लगा है कि हम लोग एकदम हर गांव में बैंक खोल दें, हर गांव में सुविधा दरवाजे दरवाजे जाकर के मिले, लेकिन सरकार के पास यह होड़ नहीं है। प्रशासन और जिलाधिकारी से हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग जितने सरकार की योजना है, छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र बैंक गाँव में खोल करके सब लोग लाभ पहुँचाया जा रहा है सभी लोगों को, लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र के लोग मर जा रहे हैं, रुपया लुटाई हो रहा है, उसका कोई माई बाप नहीं है। पैसा गया आपका गया, जान गया आपका गया, और काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। सरकार का रोज स्कीम बन रहा है, हम लोग मांग करेंगे जिलाधिकारी से
हम लोग एसपी साहब से कि कोई समुचित व्यवस्था हम लोगों के सीएसपी चलाने में करें, चाहे आर्म्स की लाइसेंस की बात, 2-2.5 साल तो हो गया, हम खुद आर्म्स के लाइसेंस के लिए दिए हैं जिलाधिकारी के यहाँ, हम लिखे हैं उसमें कि हम सीएसपी में हमको 4 किलोमीटर रोज पैसा लेके आना जाना पड़ता है, हमकी व्यवस्था किया जाए दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में चल रहा है डीएम साहब के यहाँ फाइल और पड़ा है, कोई हम लोगों को कुछ नहीं सुनवाई करने वाला है, कोई माई बाप नहीं हम लोगों का, तो हम लोग मांग करेंगे कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोग सब लोग मिल करके सीएसपी होल्डर अपना सीएसपी बंद करेंगे, और इससे बढ़िया सब्जी बेचना और भूजा का दुकान चलाना और पान का दुकान चलाना अच्छा है, लेकिन इस सीएसपी चलाना अच्छा नहीं है। आपका नाम? मनोज कुमार सिंह, ताजपुर। सुशील कुमार सिंह, डेली अपने नियत समय से 9:30 बजे सीएसपी किया गया, उसके बाद आते हैं। दो चार जन सीएसपी पीछे खड़ा हो जाओ, सबको पीछे।